गरियाबंद की प्रदेश में चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने जवानों के साथ पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में 7 और 17 तारीख को मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसकी तैयारियां इन दोनों प्रशासन में जुटा हुआ है। प्रशासन जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ में मिलकर की आकाश सिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के बीच में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले ने कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य मुख्य रूप से निर्वाचन प्रक्रियाओं का जायजा लेना है। आज नगर पालिका गरियाबंद के अंतर्गत हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि अभी निर्वाचन की घोषणा के बाद में आदर्श आचार संहिता लग गया है, तो उसका पालन किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत कि वो लोग निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए, वो भी एक मैसेज दिया गया था। ये जो मार्च पास्ट था, ये जो है लोगों के बीच में चुनाव को लेके एक सुरक्षित भावना निर्माण करने के लिए, और हमने जो रस्ते पे जो होर्डिंग पोस्टर्स है उसकी भी हमने निरीक्षण किया, और संबंधित हमारे अधिकारियों को है हमने इंस्ट्रक्शन इश्यू किए हैं चुनाव संबंधित, इसके लिए मार्च पास्ट निकाला था। हमारे जो है चेक पोस्ट हमने लगाया है, इंटरस्टेट चेक पोस्ट हमने लगाया है, हमारा जॉइंट चेक पोस्ट रहता है जो ओडिशा पुलिस के साथ हमने लगाया है, उसके साथ ही साथ हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी है, तो हमारी जो है चुनाव को लेकर तैयारी जो है पूरी तरह से हम तैयार हैं।